नाम अरविंद केजरीवाल, काम जनता की आंखों में धूल झोंक कर लूट का मॉडल खड़ा करना। आइए देखें इनकी कालकोठरी का पूरा हिसाब। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है, जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। भ्रष्टाचार विरोधी अन्ना आंदोलन से निकला अरविंद केजरीवाल एक दिन खुद भ्रष्टों की गोद में बैठकर लूट के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, ये किसी ने भी सोचा नहीं होगा। जिस केजरीवाल ने खुद कहा था कि कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, कोई राजनीतिक पद नहीं लेंगे। आई विल नेवर फाइट इलेक्शंस इन माय लाइफ एंड आई डोंट वांट टू होल्ड एनी पोस्ट इन माय लाइफ। वो आज परिवार समेत सत्ता की कुर्सी का खेल खेल रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी देश को आम आदमी वाली राजनीति देने आए थे, वो आज खुद अपना शीश महल बनाकर चेलों समेत दिल्ली को ठगने के लिए घिरे हुए हैं। जो केजरीवाल एक समय भ्रष्टाचारियों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, उसी केजरीवाल ने कुर्सी की खातिर उन भ्रष्टों से हाथ मिला लिया। चाहे लालू यादव हो या शरद पवार, कनिमोई हो या ए राजा, कुर्सी के प्रेम में केजरीवाल इन सब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। शायद इसीलिए बच्चों की कसम खाई थी। बच्चों की कसम है ना, बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है। सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने। सीबीआई, ईडी और एसीबी की बात करते हुए सोनिया गांधी को गिरफ्तार करने की मांग करने वाले केजरीवाल आज कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं। साफ सुथरी राजनीति की बात करने वाले केजरीवाल और उसके साथियों पर दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और यहां तक कि उनकी खुद की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। यकीन नहीं होता कि जो केजरीवाल एक समय बड़े बड़े नेताओं को भ्रष्ट बताता था, आज उनके ही साथ खड़े होकर भ्रष्टाचार विरोधी अन्ना आंदोलन के समय इस पर विश्वास करने वाले हर व्यक्ति को धोखा दे रहा है। पर जनता जनार्दन खुद समझदार है, केजरीवाल के हर खेल का हिसाब जरूर करेगी।